फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी थाना क्षेत्र में देर रात करीब आधा दर्जन बदमाशों ने सूरत सिनेमा स्थित इस्माइल कॉलोनी में घर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। वहीं इस घटना के बाद भिवाड़ी थाना पुलिस सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। जानकारी के अनुसार बदमाशों के द्वारा 70,000 रुपए की हर महीने धमकारी देने के लिए ये फायरिंग की गई है। फायरिंग करने वाले सभी बदमाश 3 कारों में बैठकर आए और उन्होंने सूरत सिनेमा में रहने वाले एक व्यक्ति के घर में घुसकर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। पीड़ित ने बताया कि जिन बदमाशों ने फायरिंग किए थे उन बदमाशों को वो नहीं जानते हैं, लेकिन जिन्होंने ये फायरिंग करवाई है उन बदमाशों को जानता है। उनमें से एक जेल में बंद है, बदमाश है गज्जू। फायरिंग के दौरान बदमाशों ने बाहर खड़ी एक बुलेट बाइक को भी निशाना बनाया है। बदमाश जाते जाते बाइक में भी तोड़फोड़ करके गए हैं। इस पूरे मामले पर भिवाड़ी पुलिस जिले के थाना पुलिस सहित आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में अभी थाना पुलिस किसी भी बदमाश को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है और पूरे मामले में इन सभी बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भिवाड़ी के सूरत सिनेमा में स्थित इस्माइल कॉलोनी है, जिसके मालिक इस्माइल खान है। लंबे समय से यहीं पर कॉलोनी में रहते हैं और भिवाड़ी की राजेंद्रा पॉल कंपनी में काम करते हैं। करीब 1 साल पहले ही भिवाड़ी के रहने वाले गज्जू गैंग का बदमाश जीतू 1 लाख रुपए की रंगदारी ले गया था। उसी मामले में भिवाड़ी थाने मामला दर्ज है। कितने बजे की बात है? 9:30 बजे की बात। अच्छा, तो आते ही उन्होंने क्या किया? आते ही उन्होंने गोली चलाई है। कितनी गोलियां चलाई हैं? 4-5 गोली चलाई। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर मोटरसाइकिल छोड़ दी है। कुछ कहा भी है आपसे? नहीं, हम अंदर थे। अच्छा, हम अंदर है तो कुंडी लगा रखी थी हमने, तो पिस्टल नहीं लग गया, हमारे गोली नहीं चला रहे, इस मारे हम जीते हैं। अच्छा, तो किस बात पे उन्होंने ऐसी इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है? नहीं, वो कोई मतलब वो कई दिन पहले से फोन आ रहे थे उनके। क्या फोन आ रहे थे? मतलब ऐसा क्या, हाथ पांव तोड़ देंगे, तुम खरीदारी भी करते उधर भी जाते, उधर भी जाओ, कहीं तो मिलोगे, लड़का जिम भी जावे। तो फोन आया था, नंबर भी हमने मैसेज भी दिया था सैंग वाले को। तो किस बात को लेकर इस तरीके की घटना घटी? कोई पैसे वैसे का लेन देन है? कोई हमारा कोई लेन देन नहीं है, वही मांगते हैं हमसे, मंथली मांगते हैं 70,000 रुपये। 70,000 महीना मांगते हैं। अच्छा, इससे पहले भी कभी दिया है पैसा? दिया था 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये दिया? हाँ, छोड़ा रात में उन्होंने आके दबा लिया था मेरा, 1 लाख रुपये दिया। तो जो लोग बदमाश आए थे उन लोगों को आप पहचानते हो क्या, या कौन लोग थे वो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। तो किन लोगों ने किया होगा, कोई आशंका कोई आपको मालूम पड़ा होगा ऐसा कुछ? नहीं, कौन लोग थे? 4-5 दिन पहले मैसेज भी आए और फोन भी आया है। क्या फोन आए थे? अगर चार हाथ पांव तोड़ देंगे। किसने किया था? मैं मतलब साहब मंत्री जो 1 लाख रुपया। किसने किया था फोन आपको? वो कोई गज्जू बन रहा था। गज्जू? हाँ, फोन के नाम से करा था उसने, गज्जू का फोन था, लड़का पाया। अच्छा, तो आपने मामला दर्ज कराया थाने में? मामला करा दिया।